हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर सेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि जितना हमने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड अभी तक का कंसेप्ट डिस्कस किया है, सारा का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किया है, वो आपको बखूबी समझ आया होगा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, उसमें हम बेसिकली जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट पर ही बेस्ड है। अब आप कहोगे कि जर्नल एंट्रीज क्यों, रियलाइजेशन अकाउंट ही डायरेक्टली क्यों नहीं? देखिए, जर्नल एंट्रीज फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइजेशन अकाउंट के रिलेटेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकती हैं, वो आपको 1 मार्क या 2 मार्क या इवन 4 मार्क्स तक में भी आ सकती हैं। तो इसलिए हम आज जो सेशन कवर करेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन के आधार पर पास की जाने वाली जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। मतलब जितना भी हमने थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट पढ़ा है ना रियलाइजेशन को लेकर, उसको आज हम प्रैक्टिकली इन दी फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मेरी बुक सीबीएसई से एफिलिएटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये बुक है, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये 6th चैप्टर है जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ, और मेरे अकॉर्डिंगली ये पेज नंबर 6.87 पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कीजिए और इसे जरूर समझिए। देखिए, मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बता रखी है। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फॉलोइंग सिचुएशंस आपको बता रखी है, मतलब केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 आपको बता रखा है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे कि क्या है। देखिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड है, सारी की सारी ये कंसेप्ट ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड है। आपके पास बैलेंस पड़ा है 1 लाख का, एंड देयर वॉज नो लाइबिलिटी टुवार्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। अब याद कीजिए कि हमने थ्रेटिकल कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, कि अगर कोई भी लाइबिलिटी ना हो तो उस केस में ये सारा का सारा रिजर्व एक फ्री रिजर्व की तरह मान लिया जाता है, और फ्री रिजर्व जो होते हैं वो हर केस में, चाहे वो एडमिशन के टाइम है, चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम है, चाहे वो डिसोल्यूशन के टाइम है, जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या अब डिसोल्यूशन से पहले भी जो रिसेंटली एग्जिस्टेंस में हैं, उन पार्टनर्स में किस तरह से ये बट जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बट जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले आपने लाइनअप करना ही करना है, ये बातें मैंने आपको पहली भी बताई हैं, अब भी बता रही हूं, कि आपने ये नहीं सोचना कि ये जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा तो +1 में बनाते थे, भाई है तो अब भी जर्नल एंट्रीज ही हैं, तो इसलिए परफॉर्मा जरूर बनाना है, क्योंकि कई बार परफॉर्मा ना बनाने की वजह से भी मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। तो हमने बिल्कुल भी एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि हमारा एक भी नंबर इस तरह की बेवकूफियों की वजह से कटे। तो हम लाइनअप करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मनोज एंड नंद, मेरे पास स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है MNN, लेकिन आप फुल फ्लेज लिखोगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए, आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो हमें कोई डेट नहीं गिवन थी, एंड इतना आपको पता है कि जब ना दी हुई हो तो डेट कॉलम में एक क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैसे क्या होते हैं रिजर्व्स का बैलेंस, रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो अब हम उसे खत्म करने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब क्या करना है, अगर आपको थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो तो हमने यहां पर लिखा था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि पार्टनर्स दो हैं तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे
टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंद कैपिटल अकाउंट। ये फुल फ्लेज आपने इस तरह से लिखना है। देन आपने यहां पर एक नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या लिखनी है? ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमंग या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया। अब आपने क्या करना है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख और रेशो क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो थी 3:2। तो आपने इस 1 लाख को 3:2 मतलब 3/5 मनोज में और 2/5 नंद में, तो 1 लाख का करो, देखो 20,000 आ जाता है कट के। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 यहां आ जाएगा और 40,000 यहां आ जाएगा। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप पेंसिल से यहां मेरे पास पेन है, लेकिन आप पेंसिल से यहां लाइन लगाकर इसे क्लोज कर दोगे। जैसा आपने प्लस वन में जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा कंसेप्ट बनाना सब सीखा था, बिल्कुल वही फॉलो किया जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि डेट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क ही आएगा, लेकिन हम सबसे पहले रीड आउट करते हैं कि सेकेंड केस क्या था। देखिए सेकेंड केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वॉज एसर्टेन्ड एट 75,000। इसका मतलब जो हमारा क्लेम है वो लेस देन हमारा रिजर्व है, तो हमारा रिजर्व अभी भी 25,000 से फ्री पड़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है थ्रेटिकल कंसेप्ट में, कि जो लाइबिलिटी अराइज हो जाती है उसे हम उतने रिजर्व को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, और जो फ्री बच गया है उसे हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। हमने यही सीखा था ना। तो आइए इसकी भी फटाफट से जल्दी से जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अब देखो, अब फिर से क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्योंकि खत्म हो रहा है, अब इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जितने की लाइबिलिटी अराइज हुई है उतने के लिए अमाउंट जो है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन में, और बाकी के लिए हम मनोज और नंद के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। यहां टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल्स के मतलब नाम लिखने हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंटवारा कर लिखना है। जैसे अमाउंट 1 लाख यहां डेबिट में आ जाएगा। अब ये तीनों क्रेडिट की हैं, तो जितनी लायबिलिटी थी 75,000 वो यहां आ जाएगी, और इन दोनों में 3/5 और 2/5 किसका, 25,000 का। तो देखो कितना आएगा, 15,000 कैलकुलेट करोगे आप तो यहां आ जाएगा। देखो ये से इस तरह से कैलकुलेट होगा, यहां 5,000 कट होकर आएगा, देन 5 × 2 = 10 इसमें आ जाएगा, और 5 × 3 = 15 मनोज की कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहां इसकी नरेशन लिख देनी है कि ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द क्लेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिस्पेक्टिवली। कुछ इस तरह से कर आप नरेशन की लाइन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं नरेशन लिखने पर टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके साथ नेक्स्ट डिस्कस करूं केस, तो नेक्स्ट क्या है,
देखिए नेक्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस 1 लाख है और लायबिलिटी जो अराइज हुई है वो है 1,20,000 की। अब इसमें ना केस उल्टा हो गया कि क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है। आपको रियलाइजेशन के थ्रेटिकल कंसेप्ट जब समझाए गए थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का स्पेशली जब समझाया गया था, तो आपको बताया गया था कि अगर ये मोर भी है तो आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि जब पेमेंट के लिए टू कैश या टू बैंक लिखा जाएगा रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर, तब अपने आप ये एक्स्ट्रा 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। आपने जस्ट क्या करना है कि सारे के सारे रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है और ये देखना है, ये समझना है कि इस बार फ्री कुछ भी नहीं बचा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने पहले अर्लियर सेशंस नहीं सुने हैं, नहीं अटेंड किए हैं, तो वो काइंडली जरूर समझिए। आपको सबके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, अब सारा का सारा अमाउंट ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपने जस्ट एक ये जर्नल एंट्री पास करनी है, इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा और नरेशन क्या लिखी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जर्नल एंट्री, देखिए अब नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वॉज असर्टेन्ड एट 1 लाख, मतलब 1 लाख का ही रिजर्व है और 1 लाख का ही क्लेम अराइज हो गया है, दायित्व आ गया है। तो इस केस में क्या है, इस केस में सी इज इक्वल टू आर का केस है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से एंट्री होगी कि जो था वो सारा का सारा ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। तो देखिए अब इस फोर्थ केस में क्या होगा, सेम यही जर्नल एंट्री, सेम एज इट इज यही जर्नल एंट्री इन्हीं अमाउंट्स के साथ यहां पर फिर से दोबारा से पास कर दी जाएगी और सेम वही नरेशन लिख दी जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसी तरह से एज इट इज ये नरेशन लिख दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि प्लीज इन जर्नल एंट्रीज को बिल्कुल भी मत इग्नोर कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार जब आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, लाइक सपोज, तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे रिटायरमेंट वगैरह के केस में ही अगर मैं बात करूं, आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, शेयर ऑफ गुडविल निकालना होता था, तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आना तो चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू, वो जर्नल एंट्री पास होती थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का कंसेप्ट लगाते हुए वो जर्नल एंट्री पास होती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाय शेयर ऑफ गुडविल लिख देते होते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है। आप क्वेश्चन पेपर में, मतलब आप पेपर में अटेम्प्ट कर आते हो, क्वेश्चन सही कर आते हो, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स अगर पूरे नहीं आते हैं, तो वो मिस्टेक क्या होती है, वो मिस्टेक इसी वजह से होती है जब आप जर्नल एंट्रीज को इग्नोर कर देते हो। जब तक आपकी जर्नल एंट्रीज का बेस क्लियर नहीं होगा, आप लेंथी क्वेश्चन को भी फुल फ्लेज सही नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर रह जाएगी। तो इसलिए जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट को जरूर क्लियर कीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि फिर से मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 2.88 पर अवेलेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000, आपको सिर्फ इतनी लाइन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि किसने बियर किए हैं एक्सपेंसेस या किसने पे किए हैं, ऐसा कुछ भी नोट ना दिया हुआ हो, तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर किया है और फर्म ने ही पे किया है। तो ये कौन से अकाउंट के थ्रू पे किया जाएगा, सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश के थ्रू ये एंट्री या बैंक के थ्रू ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। तो देखो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, मैंने कोई परफॉर्मा नहीं बनाया है, मैं सिंपली आपको जर्नल एंट्रीज पास कर बता रही हूं। तो इस बार जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। जनरली आजकल बैंकिंग के थ्रू ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट की जाती होती हैं, पास की जाती हैं, तो इसलिए हम जर्नल एंट्री बैंक के थ्रू ही पास करेंगे। और ये एक्सपेंसेस थे हमारे 8,000, तो कुछ इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी और आप सिर्फ यहां लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री की। देखिए सेकंड है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000 वर पेड बाय दी पार्टनर्स। ये जो 10,000 का खर्चा था वो किसने पे किया है, पार्टनर ने, फर्म ने नहीं पे किया। लेकिन क्या आपको लाइन ये लिखी है कि पार्टनर ने ही बियर करने हो, नहीं लिखी हुई ना। तो जब ऐसा केस नहीं लिखा हुआ तो माना यह जाता है कि पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट की है, ऑन दी बिहाफ ऑफ दी फर्म। तो जब ऑन दी बिहाफ ऑफ दी फर्म पेमेंट की है पार्टनर ने, तो मतलब पार्टनर को रीइंबर्स किया जाना चाहिए, पार्टनर को उसके पैसे मिलने चाहिए। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होगी। देखो आज नहीं तो कल भरपाई तो फर्म को ही करनी है ना, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, हमने ये इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में समझा है। तो इसलिए ये हमारा नुकसान है तो रियलाइजेशन को तो हमें डेबिट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि फर्म के बैंक या अकाउंट या फर्म के कैश नहीं निकला है तो क्या होगा, यहां पर हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसने बिहाफ पर पेमेंट की है। अब पार्टनर का नाम क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ, गिवन था तुषार, तो यहां लिखा जाएगा, नहीं सॉरी नहीं गिवन था, तो इसलिए यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखा हुआ आ जाएगा, वो थर्ड एंट्री में है तुषार, तो यहां नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा और कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री आ जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करता है तो फर्म के लिए वो पार्टनर एक तरीके से क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि फर्म को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, फर्म उसे पैसे देगी, मतलब पार्टनर को मिलेंगे। मिलने वाली चीज हम पहले दिन से फंडामेंटल से समझते हुए आ रहे हैं कि मिलने वाली चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती है। और इसकी नरेशन लिख दी जाएगी, इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय दी पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय दी पार्टनर। बस इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको स्पेसिफिकली लाइन दी होती है आप उसे ही यहां पर घुमा फिरा के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए थर्ड केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार ए पार्टनर बट वर पेड बाय दी फर्म। अब देखो किसने मेट करने हैं, मतलब किसने बियर करने हैं, इसका मतलब ये होता है कि किस पर इसका बोझ आना चाहिए, एक्चुअली तुषार पर। लेकिन किसने पे किए हैं, फर्म ने। तो अगर फर्म ने पे कर दिए तो फर्म उससे वसूल सकती है ना, अब उसमें तो फर्म ने भरपाई करनी थी लेकिन इसमें फर्म ने क्या करना है, उससे वसूलने हैं। तो जब भरपाई करनी थी तो उसकी कैपिटल अकाउंट को, मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन इसमें अब क्या करना है, उससे चार्ज करना है और चार्ज करने वाली चीज पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दी जाती है। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी।
देखो, रियलाइजेशन अकाउंट तब डेबिट होता है जब फर्म ने खर्चा बर्दाश्त करना हो, बियर करना हो। लेकिन इस केस में किसने बियर करना था? तुषार ने। तो इसका मतलब अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। फर्म ने पेमेंट की है तो उसकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो या कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। लेकिन अब हमने चार्ज किससे करना है, ये किसने पे करने थे, जिसके बिहाफ पर फर्म ने पे किए, वो पेमेंट तुषार के बिहाफ पर की गई थी, तो तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। अमाउंट हमें 12,000 दिया हुआ था तो हम 12,000 से ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे, और बिल्कुल वही जो आपको लाइन गिवन है वो यहाँ एक नरेशन की फॉर्म में लिख दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट केस है, सुरेश एक पार्टनर है जिसे पेमेंट क्या करनी है, रेमुनरेशन। वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस। अब देखो, एक्सपेंसेस बर्दाश्त किसने करने थे? सुरेश ने। लेकिन फर्म ने क्या बर्दाश्त करना था? फर्म को तो रेमुनरेशन सहना था ना। तो यहाँ पर फर्म जो है वो कुछ बियर तो कर रही है, लेकिन वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो क्या है? वो रेमुनरेशन है। और पार्टनर को मिल रहा है कुछ। पार्टनर को मिलने वाली चीज हम कौन सी साइड पर डालते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और ये फर्म जो बर्दाश्त कर रही है, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट तब डेबिट होगा जब फर्म कुछ बियर करेगी, चाहे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में हो, चाहे वो रेमुनरेशन की फॉर्म में हो। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब ये कितनी थी? ये थी 10,000। और इस बार नरेशन में क्या लिखा जाएगा? ₹10,000 एज रेमुनरेशन पेड टू सुरेश फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। या ना भी लिखो आप ये फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तब भी चलेगा, बस इतना लिख दो कि ₹10,000 पेड एज रेमुनरेशन टू सुरेश। नेक्स्ट, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केस। वीरू एक पार्टनर है जिसे रेमुनरेशन पे की जानी थी 15,000 की, एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस। उसी ने सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए वो थे 20,000। लेकिन इसे पे भी किसने किया है? फर्म ने पे किया है। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो दो यहां पर कंबाइंड है। तो देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ हल्का सा घुमा फिरा के करना है। देखो, मैंने अभी अभी आपको कहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट तब डेबिट होता है जब फर्म कुछ बर्दाश्त करती है। फर्म को यहां पर क्या सहना पड़ रहा है? फर्म को यहां पर वीरू को जो रेमुनरेशन पे करनी पड़ रही है, फर्म ने वो सहना है। वो रेमुनरेशन कितनी है पहले समझेंगे, फिर जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करेंगे। देखो, फर्म को 15,000 की रेमुनरेशन वीरू को देनी पड़ रही है। इसका मतलब फर्म जो है वो अपना रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट करना चाहिए उसे? उसका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो 15,000 से डेबिट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम सैलरी वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने सुरेश के केस में बनाई थी, अगर हम ये जर्नल एंट्री वीरू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं एक बार बाकी पार्ट को इग्नोर करते हुए, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरूज कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000, ये जर्नल एंट्री बनती है ना रेमुनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम दूसरा कंसेप्ट समझे जिसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 के। ये पे किसने किए हैं? दिस इज पेड बाय फर्म। लेकिन एक्सपेंसेस सहने किसने थे? वीरू ने।
अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने सहने हो लेकिन पेमेंट फर्म कर रही हो, तो हम ये कंसेप्ट भी हमने अभी अभी सीखा है तुषार वाला, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फर्म वीरू से ये चार्ज करेगी, तो एंट्री क्या करेगी, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे हमने तुषार वाले के केस में किया था। तो इसमें जर्नल एंट्री जो पास होगी वो कितने से होगी, क्योंकि फर्म ने 20,000 पे किया है ना, तो वो 20,000 वसूलेगी ना वीरू से। अब आपने क्या करना है, आपको आपकी बुक्स में जो सॉल्यूशन दिया हुआ होगा वो नेट दिया हुआ है। अब वो नेट सॉल्यूशन कैसे बना है, वो इन दोनों जर्नल एंट्रीज को कंबाइन कर बना है, जिसमें एक में ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था, दूसरे में ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, दोनों को कंबाइन कर जर्नल एंट्री पास होगी। देखो ये अलग है, जैसे हम कहते हैं ना पिक आउट दी ऑड वन, तो एक बार पिक आउट दी ऑड वन करो, रियलाइजेशन डेबिट है तो ये तो आएगा ही आएगा, बैंक क्रेडिट है तो ये भी आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो वीरू है वो यहां इस एंट्री में भी है और इस जर्नल एंट्री में भी है, तो इसका नेट इफेक्ट आना चाहिए। ये एक बार 15,000 से क्रेडिट हो रहा है, एक बार 20,000 से डेबिट हो रहा है, तो क्यों ना इसे हम 5,000 डेबिट ही कर दें। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से फिर से दोबारा से समझना, मैंने आपको इन डिटेल समझा दी, अब हम जल्दी से समझते हैं कि अगर जल्दी जल्दी से समझना हो इसे, जितना फर्म ने बर्दाश्त करना था वो 15,000 से रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, जितना फर्म ने एक्चुअली पे किया वो 20,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और जो 5,000 उसे एक्स्ट्रा बियर करना पड़ा वो वीरू से वसूल लेगी। सिंपल सी बात। तो मुझे लगता है कि इन डिटेल जो आपको समझाया वो भी आपको समझ में आ गया, और जो इस तरह से समझाया वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर से देखिए, ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो थे 15,000 के, जिसे पे किसने किया है, फर्म ने, तो इसका मतलब अब आपको ये पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि टू बैंक तो 15,000 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब आगे क्या है, 10,000 पार्टनर ने बियर करने थे और बाकी का जो बैलेंस है यानी कि 5,000 वो किसने बियर करना था, फर्म ने। अब मैंने क्या बोला, बियर करना था, तो किसने बर्दाश्त करना है, फर्म ने। कितना बर्दाश्त करना है, सिर्फ 5,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ 5,000 से डेबिट होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब फर्म कुछ बियर करेगी तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और इसको पढ़ने पर आपको पता चल रहा है अब कि 5,000 बियर कर रही है फर्म, तो 5,000 से रियलाइजेशन को डेबिट कर दीजिए। तो देखो, अब इस बार इस केस में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगी, जितना फर्म ने बर्दाश्त करना था उतने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना डेबिट होगा, 5,000, मैं ऑलरेडी आपको अभी अभी समझा चुकी हूं, बैलेंस जो था वो 5,000 था। ठीक है, अब फर्म ने पेमेंट की थी तो फर्म के खाते में से कितने पैसे कट जाएंगे, 15,000। तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना क्रेडिट हो गया, 15,000। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पर निकल रही है, डेबिट साइड पर निकल रही है ना, क्या निकलेगा, ये है कि जो पार्टनर ने बियर करने थे लेकिन पेमेंट फर्म ने कर दी है, तो पेमेंट अगर फर्म ने कर दी है तो फर्म वसूलेगी ना, मतलब चार्ज करेगी, फिर से वही कंसेप्ट, चार्ज अगर करती है पार्टनर से तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और क्योंकि पार्टनर ने 10,000 का सहना था तो 10,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, गौरी एक पार्टनर है जिसे रेमुनरेशन अलाउ की जानी थी 25,000 की, तो दैट मीन्स फर्म ने क्या सहना है,
गौरी को दी जाने वाली रेमुनरेशन, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस. तो गौरी ने ही सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे. तो फर्म ने क्या सहना था? फर्म ने सारा रेमुनरेशन सहना था. फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000. लेकिन फर्म ने क्या सहा? फर्म ने रेमुनरेशन तो पे की, साथ में फर्म ने एक्सपेंस भी सहा. तो अगर फर्म ने 5,000 का एक एक्सपेंस भी सह लिया है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे गौरी को कम देना चाहिए ना पैसे, क्योंकि 5,000 तो उसने सह ही लिया, जबकि सहना किसको था? गौरी को. तो देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. अब देखो फिर से, फर्म ने क्या बर्दाश्त करना है? फर्म ने सहनी है रेमुनरेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए. और कितने से डेबिट होना चाहिए? जितनी फर्म ने रेमुनरेशन पे करनी है उतने से. तो 25,000 से रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. अब देखो बहुत ही ध्यान से, फर्म ने कुछ पेमेंट भी की है, फर्म ने एक्सपेंस के लिए पेमेंट की है, तो दैट मीन्स यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 5,000 आ जाना चाहिए. अब देखो क्या होगा, जब भी फर्म रेमुनरेशन पे करती है तो पार्टनर को वो रेमुनरेशन मिलती है. और हमने क्या सीखा है कि अगर पार्टनर को रेमुनरेशन मिलती है, जैसे वो सुरेश को जो रेमुनरेशन पे की थी, वो वाला कंसेप्ट केस 4 वाला, उसमें हमने क्या किया था? सुरेश की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था ना. बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहां पर गौरी की कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है. लेकिन अब गौरी को 25,000 मिलने की बजाय 5,000 काट कर दिए जाएंगे, क्योंकि 5,000 उसके बिहाफ पर किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए ना. तो अब उसे 25 क्यों दे? उसे जो 5,000 फर्म ने अपने बेसिस पर पे कर दिया उसकी जगह पर, वो काट कर उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. तो कुछ इस तरह से इसकी भी जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी. और फिर से मैं कहूं कि जो आपको लिखा गया है कि रेमुनरेशन अलाउड टू गौरी एंड एक्सपेंस ऑफ 5,000 पेड बाय फर्म, इस तरह से नरेशन यहां पर लिख दी जाएगी और इस तरह से आपकी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जो दोनों क्वेश्चन मैंने ये कम्प्लीट करवाए, ये कवर अप करवाए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स आल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.